तो चलिए देखते हैं बुलंदशहर में किस तरह से जिलाधिकारी और वहां के संबंधित अधिकारी पूरे विभाग की जानकारी ले रहे हैं और हर स्थिति को काबू में रखने के लिए दिन रात एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि जो निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना टाइम में उसका पालन हो रहा है और नए बंदियों को पहले अस्थायी जेल में रखा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें कारागार लाया जा रहा है। इसके अलावा बंदियों के स्वास्थ्य, खान पान और सभी संबंधित जानकारी ली गई। जेल में जो खाली भूमि है उस पर वृक्षारोपण किया गया। निरीक्षण के समय कारागार परिसर में डबल स्टोरी नई बैरिक का निर्माण कार्य जो चल रहा है वो प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण के समय जेल अधिकारी मौजूद रहे।